हेलो गाइस, ये जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम जो हमारा आर्ट सेक्शन है उसकी इंग्लिश जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको शॉर्टफॉल का जो है सिनोनिम यानी सेम वर्ड बताना है, तो वो होता है हमारा शॉर्टेज। नेक्स्ट है रेजिंग। रेजिंग का जो हमारा सिमिलर मीनिंग होता है अपलिफ्ट करना होता है, ठीक है, ऊपर उठाना। रेज भी हमारा क्या होता है, ऊपर उठाना। नेक्स्ट है हमारा तीसरा स्टार्व। स्टार्व जो है इसका मीनिंग होता है हमारा हंगरी, बी हंगरी, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु इज़ स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इक्वेस्टेरियन। नेक्स्ट है हमारा वन हु ईट एवरीथिंग, जो सब कुछ खा लेता है उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं ओमनिवोरस, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है 36th हमारा ए स्ट्रैंड ऑफ बीड्स यूज्ड इन काउंटिंग प्रेयर्स, यानी जो हम काउंटिंग करने के लिए, प्रेयर्स काउंट करने के लिए जो माला होती है उसमें जो मनके होते हैं उनके बारे में है ये, तो इसका जो हमारा रहेगा रोजरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट है करेक्ट मस्कुलिन जेंडर ऑफ बी, तो बी का जो है हमारा क्या होगा, ड्रोन होगा, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपने कलेक्टिव नाउन्स बतानी है। कलेक्टिव नाउन है तो पहला है ए डैश ऑफ एलिफेंट्स, तो ये क्या होता है हमारा ऑप्शन नंबर, तो ये जो है हमारा ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स होगा यानी हाथियों का झुंड। नेक्स्ट है ए डैश ऑफ हे यानी ए बंडल ऑफ हे। नेक्स्ट हमारे पास है ए डैश ऑफ क्लोथ्स, इसका आपने नाउन बताना है, इसका आंसर जो है हम आपको कमेंट्स में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी सेड आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, शी सेड आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, तो आपने इसका इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है, तो इसका जो हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, शी सेड दैट शी वुड डू हर वर्क हर सेल्फ। नेक्स्ट है हमारा जो है वट डू यू वॉन्ट शी आस्क्ड हिम, तो इसका जो सही रहेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, शी आस्क्ड हिम दैट वट ही वॉन्टेड, इसका जो है ऑप्शन डी सही रहेगा, शी आस्क्ड हिम दैट वट ही वॉन्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टीचर सेड टू मी यू वर अबसेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, तो इसका जो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड बीन अबसेंट फ्रॉम द क्लास द प्रीवियस डे, तो आप जो है ये हमारी ऑफिशियल आंसर की जो आएगी तो आप उससे आप करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दे आर सिटिंग डैश द फैन, तो इसका जो रहेगा वो हमारा रहेगा दे आर सिटिंग बिलो द फैन, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है यू कैन नॉट बी टू सेंसिटिव क्रिटिसिज्म इफ यू वॉन्ट इफ यू हैव बिकम ए सेलिब्रिटी, तो इसका जो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा टू, यू कैन नॉट बी टू सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है इफ आई गिव यू द कैमरा कैन यू टेक ए फोटोग्राफ डैश मी, तो इसका जो रहेगा 46 का वो रहेगा फोटोग्राफ ऑफ मी, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट 47 है हमारा एज बोल्ड एज, तो इसका जो है आई थिंक ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ब्रास, ठीक है, बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है टू ब्रश अप, टू ब्रश अप का मतलब होता है टू रिन्यू, ठीक है। नेक्स्ट है टू एरर इज डैश टू फॉरगिव इज डिवाइन, तो ये होगा टू एरर इज ए ह्यूमन टू फॉरगिव इज ए डिवाइन। नेक्स्ट है टू ड्राइव होम डैश, तो इसका जो रहेगा टू ड्राइव होम टू एम्फेसाइज, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट है एज टफ एज, तो ये जो है हमारा डाउटफुल है थोड़ा, तो इसका जो है एज लेदर भी हो सकता है, रोक भी हो सकता है, इसका जो है हम आपको जो है कमेंट्स में बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पोवर्टी, इसका आपने ऑपोजिट मीनिंग बताना है, तो पोवर्टी का जो हमारा होता है ऑपोजिट होता है ऑप्शन ए प्रॉस्पेरिटी। एडवर्सिटी हमारी विविधता होती है, ठीक है, एडवर्सिटी आपदा होती है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो इसका जो है प्रोस्पेरिटी रहेगा। नेक्स्ट है एरोमेटिक, एरोमेटिक होता है खुशबूदार, तो खुशबूदार का जो हमारा होगा वो होगा मेलोडोरस, बदबूदार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिकल, फिकल होता है चंचल यानी चंचल, तो इसका ऑपोजिट हमारा होगा कॉन्स्टेंट यानी शांत, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है, इसमें आपने बताना है कौन सा सेंटेंस में आप करेक्ट चूज़ करने हैं, आपने बोला है आई डैश इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, तो इसका जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट है
इट इज़ स्टिल रेनिंग नाउ आई डैश फॉर 2 आवर्स. तो इसका जो होगा वो होगा इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स. नेक्स्ट 57 है रॉय डैश फ्रॉम ए फीवर सिंस यस्टरडे. तो रॉय किससे हो रहा हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर यस्टरडे सिंस यस्टरडे. नेक्स्ट है 58 करेक्ट मीनिंग बताना है मॉडेस्ट का. तो इसका जो होता है हमारा हम्बल होता है. नेक्स्ट है हमारा डार्ट. तो डार्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है. तो इसका जो होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी डैश डेविएशन. डेविएशन का जो होता है हमारा वो होता है सिमिलर मीनिंग रिग्रेशन. थैंक यू. बाकी ऑफिशियल आंसर की आने पे आपको कंफर्म हो जाएगा.